तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रवेशर का नमस्कार। लगातार 3 महीनों से आप तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर की। तो कल एग्जाम है अपना, तो सभी बच्चों ने पहले तो 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप 8:30 बजे पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ई मौसम पे मैसेज आया है कि बारिश आ सकती है कल। तो प्यारे बच्चों सभी ने अपने 8:30 बजे 8 बजे 8:15 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाना, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन, साथ में आपका जो रोल नंबर है रोल नंबर के साथ में एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। जो रोल नंबर में नेम है, फादर नेम है, वही आईडी प्रूफ में नाम होना चाहिए। जैसे आईडी प्रूफ में हम क्या क्या ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट। तो प्यारे बच्चों एक आईडी होनी चाहिए आपके पास प्रूफ, ठीक है। तो आपने इतनी तैयारी करी है 3 महीने से, तो कोई भी गलती ना हो जाए, अभी के अभी शाम तक आप अपना रोल नंबर और साथ में एक आईडी प्रूफ एक साथ रख लें, 2 पेन, रात को जल्दी सो जाएं। अरे अब एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब हम 6 महीने से, कोई 6 महीने से पढ़ रहा है, कोई 1 साल से पढ़ रहा है, कोई 3 महीने से पढ़ रहा है, तो प्यारे बच्चों जितना हमने पढ़ रखा है ना, तो आज आप चाहे ना पढ़ें, आज आप अपनी नींद पूरी करें, कल सुबह बहुत अच्छा पेपर होएगा। सुबह जल्दी उठें, नहाए धोएं और मंदिर में माथा टेक के फिर अपना पेपर देने जाएं, भगवान का नाम लेके पेपर को स्टार्ट करें, तो प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन होएगा। यदि आपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से यदि तैयारी की है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो आपने अपने मन से पेपर करना है। जैसे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी, मान लो यदि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है तो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है, यदि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो पहले केमिस्ट्री, यदि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है तो पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना, क्योंकि उससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं पहले मैथ अटेम्प्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों जितने देखो क्वेश्चन, जो शुरू शुरू में क्वेश्चन करते जाओगे, सोल्व होते जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, दिल करेगा कि हाँ ये तो पेपर आसान है, एडमिशन आराम से हो जाएगा। फिर यदि जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो पहले एग्रीकल्चर सोल्व करना, फिर अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में से दोनों में से सोल्व कर सकते हो। देखो जो एग्रीकल्चर के बच्चे और मेडिकल बायो के बच्चे हैं, उनके पास सफिशेंट टाइम है, 3 घंटे का टाइम है आपके पास, और आपका पेपर हो जाएगा लगभग 2-2.25 घंटे में अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन नॉन मेडिकल के बच्चे जो मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आप स्टार्टिंग से ही स्पीड में चलना, कहीं भी आपका स्पीड का लेवल कम नहीं होना चाहिए। आपकी स्पीड जैसे स्टार्टिंग में शुरू हो या लास्ट तक बरकरार रहनी चाहिए, बीच में आपने स्लो नहीं पढ़ना। यदि आप बीच में स्लो हो गए ना नॉन मेडिकल वाले, तो पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होएगा प्यारे बच्चों। तो आपने शुरू से लेके लास्ट तक स्पीड मेंटेन करनी है विद एक्यूरेसी। मैथ के यदि आपने 90 क्वेश्चन सोल्व कर दिए सही से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जनरल की कट ऑफ जाती है 65 से 70 के करीब। मान लो 70 नंबर लेने हैं तो 140 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तो प्यारे बच्चों 60 तो गलत करके आने हैं। तो आपने घबराना नहीं, बिल्कुल अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है भगवान का नाम लेके। और घबराहट से 5 या 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो घबराना है ही नहीं। जो आप सर्कल भरोगे, सर्कल भरते हुए विशेष ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, बच्चों से 71 पे भरना था, 61 पे भरा गया, लगातार 5 या 6 गलत हो गए, तो लगातार 5 या 6 गलत होते ही वहां पर हौसला डाउन हो जाता है। पेपर आसान आ जाए तो ज्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि सबके लिए आसान है वो, तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। पेपर मुश्किल आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि सबके लिए मुश्किल है फिर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों कंपटीशन का, यही कंपटीशन का खेल होता है। जो वो 3 घंटे बच्चा अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर गया, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने लगातार सही से तैयारी की है, लेकिन पेपर सही अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि पेपर में पहले एक दिन पहले स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, भाई पहले मैं ये अटेम्प्ट करूंगी, फिर ये अटेम्प्ट करूंगी, फिर ये अटेम्प्ट करूंगी, या कोई लड़का है तो पहले ये अटेम्प्ट करूंगा, फिर ये। तो प्यारे बच्चों अपनी स्ट्रेटेजी को बरकरार आज अपने माइंड में संजो लें कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, ठीक है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन लेके जाना है, रोल नंबर लेके जाना, और लेट नहीं होना। यदि आप अपने सेंटर पे 5 मिनट भी लेट हो रहे हैं ना, तो मतलब आपके यहाँ चिंता होगी, तो प्यारे बच्चों पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं होगा। आप जल्दी पहुंचो सेंटर पे, आज प्रॉपर जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, मंदिर में जाना, भगवान अपने मम्मी पापा
माता और पिता से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेके फिर अपना पेपर अटेम्प्ट करना, आपका एडमिशन पक्का होगा। प्रवेश सर की तरफ से, एग्री अकेडमी हिसार पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, हम तो यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और एग्री अकेडमी हिसार लगातार 3 सालों से रच रही है इतिहास और 4th टाइम भी फर्स्ट रैंक आएगा एग्री अकेडमी हिसार का। क्यों? क्योंकि नाइट कैंप, अपना जो नाइट कैंप लगा है ना 12th का, वो अपना फर्स्ट रैंक लाएगा 101%। सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।